क्लास अवर टुडेज न्यू टॉपिक इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। बट बिफोर आई विल एक्सप्लेन यू द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये हुआ क्लास कि अगर आपके कोई दो शेप्स सेम साइज के हैं या कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर एक जैसे दिखने के हैं तो आप कह सकते हैं कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। सपोज क्लास आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू स्क्वायर्स और दीज टू शेप्स। सो यहाँ पर इन दिस स्क्वायर ऑल द साइड्स आर 5 सेंटीमीटर्स, इन दिस स्क्वायर द साइड्स आर 5 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब क्लास ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर मैं बात इस रेक्टेंगल की करूँ, द लेंथ इज 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर। बट क्लास इन दिस टाइम ये रेक्टेंगल इस शेप में है, बट स्टिल द लेंथ इज 3 एंड द ब्रेथ इज 2। सो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंसी का सबसे कॉमन रूल ये है क्लास के, अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रखें इस तरह से, सो ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। सो अगर ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जा रहा है और दोनों सिमिलर दिख रहे हैं तो फिर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। आप इसको उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो भी ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे और कुछ और बाहर नज़र नहीं आएगा। सो क्लास दे ऑल आर कॉन्ग्रुएंट। बट क्लास अगर सेम काइंड ऑफ रेक्टेंगल इज हियर 3 एंड 2 और यहाँ पर एक रेक्टेंगल 4 और 3 हो, सो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे क्योंकि दोनों की लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है। सो क्लास सेम काइंड ऑफ शेप्स वी कैन से दोज शेप्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल की बात करें क्लास, सो उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं क्लास। फर्स्ट रूल फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल इज साइड साइड साइड। साइड 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 मीन्स क्लास अगर आपकी तीनों साइड्स सेम हैं दोनों एंगल्स में, सपोज दिस इज 2, 3 एंड 4, सो क्लास 2, 3 एंड 4, सो क्लास इसकी एक साइड 2 है, इसकी भी एक साइड 2, इसकी एक साइड 3, इसकी ये साइड 3, इसकी ये साइड 4, इसकी ये साइड 4। सो इफ ऑल द साइड्स इन बोथ द ट्राइंगल्स आर सेम, देन वी कैन से दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट। सो ये एक रूल है क्लास, साइड 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 से दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज ऑफ साइड साइड साइड। सो क्लास इसको हम लिखेंगे कैसे, सपोज दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज ट्राइंगल डी ई एफ। सो क्लास यूअर बी सी इज इक्वल टू ए डी। Now your AC is equal to DF and your AB is equal to EF. So class proof करने के लिए आपको इस तरह से लिखना है पहले। अब आपकी side 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 equal हो गई तो आप लिखेंगे triangle ABC is congruent with DEF. लेकिन कॉन्ग्रुएंसी का साइन आपको पता होना चाहिए क्लास, इक्वल के ऊपर आप इस तरह से एक साइन बनाएंगे जो कि साइन माना जाता है कॉन्ग्रुएंसी का। सो नाउ योर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल डी ई एफ। और ये किस रूल से आपने प्रूफ किया है क्लास, साइड 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 लिखेंगे आप, सो बाय दिस यू कैन प्रूव दिस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल डी ई एफ। सो नेक्स्ट इज साइड एंगल साइड। बाय दिस ऑल्सो यू कैन प्रूव योर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो साइड एंगल साइड मीन्स क्लास एस ए एस, साइड एंगल साइड। इसमें क्लास आपकी कोई दो साइड और एक एंगल इक्वल होना चाहिए दोनों ट्राइंगल में, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ आप कर सकते हैं। सो क्लास इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल डी ई एफ आपको सबसे पहले साइड एंगल साइड प्रूफ करने के लिए एक साइड प्रूफ करनी है, फिर दूसरी साइड प्रूफ करनी है और एक एंगल प्रूफ करना है। अगर ये तीनों आप प्रूफ कर देते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट माना जाएगा। सो ए बी इक्वल टू ई एफ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, दिस साइड इज इक्वल। नाउ बी सी इक्वल टू डी एफ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो क्लास आपने दो साइड इक्वल कर ली हैं और दिस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ। सो क्लास दिस इज योर एंगल। सो साइड साइड एंड एंगल। सो क्लास आपकी दो साइड और एक एंगल इक्वल है, सो आप कह सकते हैं कि आपका ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल डी ई एफ।
सो आप इस तरह से आप प्रूफ करेंगे और इसके आगे आप लिखेंगे क्लास SAS। इसका मतलब आपने इस मेथड से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। सो क्लास साइड एंगल साइड के लिए आपको ये इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि आपके पास दो साइड्स होनी चाहिए और उनके साथ साथ आपके पास एक एंगल भी होना चाहिए। 5 and 4 आर हियर एंड योर एंगल इज़ हियर, हियर ऑल्सो 4 and 5 इज़ हियर एंड योर एंगल इज़ बिटवीन टू साइड्स। क्लास अगर ये 60 डिग्री यहाँ पर हो सो आपका ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अगर 4 और 5 के बीच 60 डिग्री है तो यहाँ पर भी 5 और 4 के बीच में 60 डिग्री होना चाहिए, तभी आपका ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट माना जाएगा। सो क्लास इन एंगल साइड एंगल आपके पास दो एंगल और एक साइड इक्वल होना चाहिए, तब दोनों आपके ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR यू कैन सी 40 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री एंड वन साइड 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इज देयर। सो आपकी ये साइड और ये साइड इक्वल हुई, BC इक्वल टू QR इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, दिस इज़ योर साइड। एंगल B इज इक्वल टू एंगल R एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। सो क्लास आपकी दो एंगल और एक साइड इक्वल है, सो आपका ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट माना जाएगा ट्राइंगल PQR के। सो यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास एंगल साइड एंगल, बिकॉज बाय दिस यू कैन प्रूव दिस कॉन्ग्रुएंट। सो क्लास दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास ABC और DEF दो ट्राइंगल हैं, आपका 60 डिग्री यहाँ पर है और यहाँ पर भी आपका 60 डिग्री है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ दिस एंगल एंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ दिस एंगल। सो द करस्पॉन्डिंग साइड इज AC, इसके ठीक सामने वाली जो साइड है क्लास AC और इसके ठीक सामने वाली जो साइड है ED और DE, ये दोनों इक्वल होंगी क्लास। अगर ये 60 डिग्री है, ये इस एंगल के इक्वल है, तो इसके फ्रंट साइड AC इसके फ्रंट साइड DE के इक्वल होगी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप इस रूल का भी यूज़ करते हैं दैट द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेम एंगल शुड बी सेम, सो AC इक्वल टू DE। एंड एट लास्ट क्लास गिवन द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल देन हाउ दे आर कॉन्ग्रुएंट। क्लास इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस PQR एंड ट्राइंगल ABC, सो हियर दे गिव यू दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, बट हाउ दे आर कॉन्ग्रुएंट क्लास। सो योर फर्स्ट साइड इज PQ एंड दिस इज योर हाइपोटेनियस। आई टोल्ड यू जस्ट करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द 90 डिग्री, द लॉन्गेस्ट साइड इज योर हाइपोटेनियस, सो दिस इज योर हाइपोटेनियस। इन दिस टाइम क्लास दिस इज योर हाइपोटेनियस, सो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, PQ इक्वल टू BC, सो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड योर एंगल इज 90 डिग्री, सो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। बट क्लास दिस इज 90 डिग्री एंगल, सो हेयर वी कैन राइट RHS, क्लास साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बाय दिस ऑल्सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट। बट जब भी क्लास आपका एंगल 90 डिग्री होगा तो आप वहां पर साइड एंगल साइड ना लिखकर RHS लिखेंगे, क्योंकि यहां पे जो आपका एंगल है वो 90 डिग्री है। सो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप यहां पर RHS लिखेंगे और इससे ये कॉन्ग्रुएंट माना जाएगा। बट क्लास अगर आप यहां पर SAS भी लिखते हैं तो वो भी सही माना जाएगा, बिकॉज साइड एंगल साइड इज योर प्रॉपर्टी फॉर कॉन्ग्रुएंसी। एंड क्लास इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, गिवन द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हूज एंगल्स आर 80, 60 and 40। हियर इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स सेटिस्फाइंग द अबव डाटा। इट मीन्स यू कैन क्रिएट सो मेनी ट्राइंगल्स हूज एंगल्स आर 80, 60 and 40। बट क्लास इन दिस फिगर यू कैन सी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर साइड्स आर हियर। दिस एंगल इज 40 degree, 30 degree, 40 degree, 30 degree, 40 degree, 30 degree, 40 degree, 30 degree, बट यू कैन सी क्लास दे हैव अ सेम काइंड ऑफ शेप बट देयर साइज इज नॉट सेम, इट मीन्स दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सो वी से दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। सो वी कैन से टू ट्राइंगल्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्लास अगर आपके दो एंगल्स इक्वल हो भी जाते हैं तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपके वो दोनों एंगल्स, वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी हों।